और इस बीच अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने भारत को 330 करोड़ की लागत के MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों की बिक्री पर मोहर लगा दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को यह खतरनाक अटैक ड्रोन बेचने की अंतिम मंजूरी दे दी है और अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी की तरफ से जारी किया गया बयान में बताया गया है कि इसकी इन्फॉर्मेशन अमेरिकी कांग्रेस को दे दी गई है। अमेरिका का भारत को ड्रोन बेचने से इनकार। $3 अरब के ड्रोन की फरोख्त रोक दी। अमेरिका ने ड्रोन हथियारों की फराहमी रोकते हुए भारत को वार्निंग जारी कर दी। अमेरिकन साइड ये कह रही है कि जब तक पन्नू के केस के अंदर इंडियन साइड जो है वो मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट नहीं करती, हम इस केस को नहीं लेके चलेंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं अमेरिकन्स कि आपने रशिया में जो किया, आप जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अगर आप हमारे मुल्क के अंदर कुछ करेंगे तो हम आपको इसकी कोई सजा या पनिशमेंट दे सकते हैं। A few moments later, प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। Cannot give you a timeline. This was the initial step today, notifying Congress. The exact timeline of the delivery is something that we will explore with the government of India over the coming months. I will say, with respect to the deal itself, the $3.99 billion sale of 31 MQ-9B Sky Guardian aircraft will provide India with an enhanced maritime security and maritime domain awareness capability. अब इंडियंस क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं जनाब, हमने तो सिर्फ $4 अरब के ड्रोन ले रहे हैं ना, पाकिस्तान तो $3 बिलियन का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है। भारत पे तीखी नजर रखने वाले मुल्कों को करारा जवाब मिला है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया। भारत डील के तहत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। द इंडियन द वे दे आर ऑपरेटिंग, समवन लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट द वे दे आर ऑपरेटिंग, वो जिसे कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट को बयान देना मजबूरी बन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके लिए ड्रोन्स की जो डील है वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुकी है और अमेरिका की कांग्रेस ने उसके लिए मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान की इस बात को खबर सामने आने के बाद बहुत ज़्यादा जलन मच गई है। जी हाँ, पाकिस्तानी इस बात पर बड़ी खुशी मना रहे थे कि जब अमेरिका ने कहा था कि जब तक भारत पन्नू पर कोई एक्शन नहीं लेगा तब तक वो इस डील को कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन जब भारत ने उसको आंखें तरेरी तो अमेरिका अपनी औकात में आ गया और वो समझ गया है कि अरब सागर में अगर जीना है तो भारत के साथ दोस्ती करना पड़ेगा ही। इसलिए मरीन टाइम नेविगेशन और सिक्योरिटी के लिए भारत के लिए अमेरिका ने 31 प्रेडेटर किलर ड्रोन की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तान में जलन मच रही है। दोस्तों दो दिन पहले एक खबर चली और वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। ये कहा गया कि अमेरिका ने, अमेरिकी जो कांग्रेस है बेसिकली, उसने $3 बिलियन की जो ड्रोन सेल थी इंडिया को वो रोक दी है अनटिल देयर इज ए मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन ऑन द पन्नू असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी, जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया और कंफर्म कर दिया। उनकी जो प्रेस रिलीज स्टेट डिपार्टमेंट की जारी हुई है 1 फरवरी 2024 को, जिसका टाइटल ही ये था, इंडिया MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि देर इज अ डिटर्मिनेशन इन अप्रूविंग दिस पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ये MQ-9B जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं, इस हवाले से जिनकी तकरीबन कॉस्ट $4 बिलियन है, $3.99 बिलियन। द इंडियन द वे दे आर ऑपरेटिंग, समवन लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट द वे दे आर ऑपरेटिंग, वो जिसे कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट को बयान देना मजबूरी बन गया। अब इंडियंस क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं जनाब, हमने तो सिर्फ $4 अरब के ड्रोन ले रहे हैं ना, पाकिस्तान तो $3 बिलियन का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है, मालदीव का तो बजट ही $3 अरब जो है ना वो है, इंडिया की असिस्टेंस $4 अरब है जो है वो श्रीलंका का, ठीक है जी, और जो भूटान का टोटल जो 5 ईयर प्लान है वो जनाब $4.25 अरब के। सो दे आर पुटिंग इन पर्सपेक्टिव दैट वी आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, वी आर द वंस, हम हैं सारा कुछ। इंडिया ड्रोन डील जो है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और US के बीच जो है उसको बढ़ाएगी
और मिलिट्री कोलैबोरेशन जो है इन दी रीजन। तो डॉक्टर साहब, एक तो इसराइल के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप कुछ भी फरमाना चाहें, लेकिन इसी के साथ ये भी कि क्या ये जो हमें हम देख रहे हैं कि अब काफी अरसे से जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रांग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रेजेंस जो है वो रेड सी और अरेबियन सी और वहां पर जो हूतीज है उन्होंने अपने वहां पर शिप्स भी भेजे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग उनकी प्रेजेंस हो गई है। तो ये जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, ये भी वजह है यूएस की इंडिया के साथ क्लोजनेस की, और इसी वजह से ये वाली डील्स भी ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि यूएस अब ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो डिपेंड भी कर रहा है इंडिया के ऊपर। दिस इज जो प्रेस रिलीज जो जारी की है, जिसमें ये कहते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है, और दूसरी ये है कि वो कहते हैं हमारे लिए इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें, इन साउथ एशिया एंड इंडोनेशिया, इंडो पैसिफिक, सो अमेरिका ने बेसिकली अगर आप देखें तो जो इंडिया का रोल है वो बढ़ा दिया। कैसे? एक वो कहते हैं कि जी ये साउथ एशिया के अंदर तो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, जो इनका रोल है वो है, लेकिन इनका रोल जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी है। सो वो दो जगहों पे कैसे इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे? पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आपको पता डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे, लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपरली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टो की, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज जो है। सो ये चीजें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आपको पता है इस चीज का कि ये जो यूएस डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी यूएस की डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया, ठीक है जी। मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर। बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जिसकी लॉन्ग डिटेल्स सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की जरूरी है, एंड देन इंडिया वेट कैन ब्रिंग पोलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द पीस इन इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशिया रीजन। सो अब आप देख लें कि उनका रोल उन्होंने कितना, अमेरिका ने रोल कितना बढ़ाया हुआ है। एक इसका लेंस ये है कि अमेरिका ने रोल बढ़ाया है, एक ये है कि इंडियंस वर कैपेबल। आई थिंक दोनों चीजें यहाँ पे मौजूद है। द इंडियंस हैड द कैपेबिलिटी, द वे दे आर ऑपरेटिंग, समवन लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट द वे दे आर ऑपरेटिंग, ठीक है जी, इस खत्ते के अंदर, एंड दे आर शोइंग, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लें जी कि हमने एक्वायर करनी है मिलिट्री कैपेबिलिटी फ्रॉम अमेरिकन्स, फ्रॉम फ्रेंच, बाकी ममालक से, चीजें तो हैं ना, ठीक है जी। अब इंडियंस क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं जनाब हमने तो सिर्फ $4 अरब के ड्रोन ले रहे हैं ना, पाकिस्तान तो $3 बिलियन का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।